देखिए इसको प्योर साबुन बनाने के लिए हम सबुन क्या करते हैं, इसको प्योर साबुन बनाने के लिए हम सबुन क्या करते हैं, हम लोग सफेद फास्फोरस क्या लेते हैं, सफेद फास्फोरस जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों मेंशन किया है कि क्या था सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस के बाद हम लोग लेते हैं क्या सोडियम, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या बोलते हैं हम लोग क्या कास्टिक सोडा, और इसके बाद इसमें क्या जल की मात्रा इसमें ले ली जाती है, और आवश्यकता अनुसार बर्नर की सहायता से हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं कि निष्क्रिय वातावरण में फास्फोरस, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल को धीरे धीरे क्या करते हैं बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, और यहाँ से जब सभी गैस आपस में सब कुछ गर्म होता है तो यहाँ से क्या होता है यानी PH3 यानी फास्फीन गैस बनना स्टार्ट होता है, और इस वाले पात्र में ये देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे गैस जार रखा, गैस जार को एक बड़े से टब में पानी से भरे टब में रखते हैं, क्योंकि पानी से भरे टब में इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से जो फास्फीन गैस बन के आ रही है वो गर्म है, क्या है गर्म है, इसी कारण जब इसे पानी से भरे टब में गैस जार को रखते हैं तो ये जो फास्फीन बन के आती है वो गैस क्या ठंडी होकर यानी यहाँ पे रिम के रूप में ऊपर आ जाती है, हम इसी को क्या बोलते हैं फास्फीन। देखिए क्या था टॉपिक, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, एक बार पुनः देखिए फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, यहाँ पे सफेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल को सभी को लेकर निष्क्रिय वातावरण में हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद यहाँ से फास्फीन यानी गर्म फास्फीन यहाँ से इस नली के माध्यम से इस गैस जार में आती है, ये जो गैस जार है हम लोग एक बड़े से टब में ठंडे पानी रखते हैं, चूँकि ये जो फास्फीन है जो PH3 बन के आ रही है वो गर्म रूप से बन के आ रही है यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होकर के रिंग रूप में आवाज आ जाती है, हम इसे बोलते हैं क्या फास्फीन यानी इसका अवशोषण PH3।